पावर टू क्यू भाई, क्या करूँ मैं? हेलमेट पे लगाओ, बो पे लगाओ, क्या नशे कर बैठे भाई ये लोग। ओके तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले कुछ गॉड टूल्स जिससे हम किसी भी मॉब को मार सकते हैं। ओके तो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। तुम अभी इमेजिन करो, अभी तुम सोचो अगर तुम रात भर बैठ के होमवर्क कर रहे हो और सुबह उठने के बाद तुम्हें पता चलता है कि ये सब तुम सपने में कर रहे थे, मतलब तुमने रियलिटी में होमवर्क किया ही नहीं था कभी। एंड वेल, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्ट किया था गेम में आने से पहले, एंड गेम में घुसने के बाद मैंने वापस से वो बटन दबा दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैंने स्टार्ट किया है। तो जितना मैंने प्रोसेस किया, प्रोग्रेस किया, सब जीरो। वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ आज। और मेरा एक दिन का कंटेंट भी गया, एंड ऊपर से आज मेरे घर आ रहे रिलेटिव्स। एंड वेल, मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ ये बना दिया था, विलेजर ट्रेडिंग हॉल, जो कि बहुत ज़्यादा सीखे। मैं आपको अभी आप लोग को पूरा 360 दिखा देता हूँ। अब ये पीछे मतलब साइड वाली साइड के ऊपर आ चुके हम लोग, एंड रेड वाला झंडा लगा है क्योंकि रेड कलर इज़ माई फेवरेट कलर। एंड वेल, उस साइड से भी वैसा ही है। पूरा दिखाने का कुछ मतलब बनता है नहीं क्योंकि रिकॉर्ड तो हुआ नहीं। एंड आप लोग को इसका बिल्ड वाला चाहिए, मतलब मैं वापस से जाके दूसरे वर्ल्ड में इसको बनाऊंगा, कमेंट करोगे तो। एंड वेल, ये अंदर से कुछ ऐसा लगता है जो कि बहुत ज़्यादा ही सीख लग रहा है भाई। एंड इन सबको ब्रीड करने में ना, मैंने उधर प्लेटफॉर्म बना के रखा था, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। इन लोगों ने इतना सताया है ना मुझे, इतना सताया ना, मैंने एक चार पांच लोग को तो मैंने मार भी दिया, नॉट गोना लाई। इधर टोटल 14 विलेजर्स है, जी हाँ, मैंने अभी अभी काउंट किया। एंड नीचे साइड तो देखो, इधर थोड़ा ऐसा अजीब सा सीन है, कुछ एन्चेंटमेंट टेबल मैंने लगा के रखा है। एंड इधर से हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं। एंड ये दरवाजे थोड़े अजीब से, आई नो, ये देखो, इधर से हम लोग पूरा ऊपर भी जा सकते हैं एंड इधर से हम लोग नीचे नहीं जा सकते अंटिल अनलेस तुम्हारे पास वाटर बकेट या फिर ब्लॉक है कोई। एंड इधर से हम लोग इधर आने, अरे शिट, इधर से हम लोग इधर जाके सीधा इधर भी आ सकते हैं। एंड गाइज, इधर ना बहुत ज़्यादा सही वाला सीन है। इधर मैं कितने बार इधर बोलूँगा बे। ओके तो अंदर आने के बाद इधर मैं यहाँ पर भी आर्मर्स लगा सकता हूँ बहुत सारे, मतलब क्या ही सही लगेगा। एंड वेल, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे थोड़ा ट्रेडिंग शेडिंग विथ विलेजर्स। ओके तो ये ना अंदर के साइड में अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा आलसी हूँ मैं, जी हाँ। एंड अगर आप अभी मेरे आंखों का फोटो अगर आपको मैं दिखाऊंगा ना, रकून होता है ना, रकून छोड़ो, डॉक्टर स्ट्रेंज की अगर आपने मूवी देखी है ना, तो उसके अंदर वो विलन होता है ना, वो डोरमामू नहीं, दूसरा इंसान वाला विलन, उसके जैसे आंखें हो गई भाई मेरी। वेल, अभी थोड़ा फ्लेक्स की टाइम आता है, फ्लेक्स मारने का टाइम। ये देखो, ये मेरे को दे रहा है मेंडिंग, ये मेरे को, ये तो ठीक है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। ये मेरे को दे रहा है फॉर्चून 3, पता नहीं मैंने क्यों रखा है इसको। एंड ये मेरे को दे रहा है प्रोटेक्शन 4, ठीक है। ये मेरे को दे रहा है शार्पनेस, आई गेस, यप, शार्पनेस 5। पैसा ही पैसा होगा। एंड मेरे पास थोड़े बहुत डायमंड्स में लेके आ गया था। एंड वेल, इस सेटअप में ना एक चीज़ की कमी है जो कि क्राफ्टिंग टेबल। मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगाना ही भूल गया मैं, एंड मेरे पास अभी वुड भी नहीं है। ओके तो वैसे भी मुझे शुगर केन तोड़ने के लिए आना ही था, पेपर जो बनाना है मुझे, इसलिए अभी आ जाओ, इधर का शुगर केन तोड़ेंगे। एंड कम पड़ेगा तो लाइक अपने मेन एरिया में भी बहुत सारा शुगर केन है, तो वो जाके भी हम लोग तोड़ सकते हैं। ओके तो अभी आ चुका हूँ मैं, मतलब कुछ थोड़े बहुत पेड़ तोड़ के, थोड़ा डिफॉरेस्टेशन करना ज़रूरी होता है गेम के अंदर। पुलिस उठाने मत आ जाओ मुझे। ओके तो गाइस, अभी है डे 2, माइनक्राफ्ट का डे 2 नहीं, रियल वर्ल्ड का डे 2। एंड वेल, मैंने बहुत सारे एक्सपी भी कलेक्ट कर ली क्योंकि व्हाई नॉट, अभी मेरे को लाइक नीचे जाके कुछ एन्चेंटमेंट्स भी करनी है। ओके तो अभी हम लोग बनाएंगे फाइनली डायमंड्स के कुछ टूल्स। तो और तो मैं नहीं बनाने वाला, डायमंड्स वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक्स ज़्यादा चलाता हूँ गाइस, एक्स का प्लेयर हूँ मैं। वेल, ये एक्स बन चुकी है, इधर जा तू। पिकैक्स भी तो नहीं, पिकैक्स है मेरे पास, अभी डायमंड वेस्ट कर देता मैं, पिकैक्स है मेरे पास मेरे वो वाले घर में। ओके तो मैं आ चुका हूँ अपने घर में, एंड ये थोड़ी सी खराब हालत में है बट ठीक है भाई, पिकैक्स तो पिकैक्स होते हैं, इनको भी लेके चलता हूँ क्योंकि बाद में लग सकते हैं। ओके तो मैं अपनी टूटी हुई गंजेड़ी पिकैक्स लेके आ चुका। एंड वेल, मैं भी सोच रहा हूँ कि ना स्वॉर्ड भी बना ही लेते क्योंकि यार इतना बेइज्जती करना सही नहीं लगता मुझे। ओके तो मैं बो बना के भी आ चुका हूँ क्योंकि एपिक टूल्स में तो ये सारी चीज़ें आती ही है। एंड वेल, अभी हम लोग करेंगे कुछ ट्रेडिंग। ये दे रहा है फॉर्चून 3, तो दे दे भाई मेरे को चाहिए फॉर्चून 3। एक फॉर्चून 3 हो गई, तू क्या दे रहा है? तू ये दे रहा है एफिशिएंसी 4, एफिशिएंसी 4 भी चाहिए मुझे, दो चाहिए होगी ना, एक इधर ले एंड एक इधर को दे, ठीक है, दो चीज़ें हो चुकी है। एंड वेल, अच्छा जा रहा है अपना सब कुछ। एंड ये महंगा सौदा है, ये महंगा सौदा है, महंगा लूट रहा है मुझे ये। नहीं यार, एक ही ले सकता हूँ मैं, दो लेने की मेरी फ़िलहाल कोई ये नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, थोड़ा और घिसना पड़ेगा, आई मीन थोड़ा और ट्रेड करना पड़ेगा मुझे। ओके तो इसलिए मुझे माइनक्राफ्ट के वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, इतना ग्रैंड। एंड वेल, मैं वीडियोस छोटे रखता हूँ इसलिए मैं ऑफ रिकॉर्डिंग का जो भी है दिखाता नहीं तो देखेगा कौन भाई मेरी वीडियो इतनी लंबी वाली। हमारे पास अवनिल नहीं है गाइस, हमको अवनिल भी लगेगा। ओके तो गाइस, आपने ना मुझे कमेंट में बताना जरूर है कि यार ऐसा कौन सा वो वाला विलेजर होता है, मतलब ऐसा ये जॉब ब्लॉक जिसके मदद से, मतलब ऐसा विलेजर आया जो मतलब आयरन से ट्रेड करे एमरल्ड्स। तो मेरे पास आयरन का तो फैक्ट्री पड़ रखा है, तो मतलब अनलिमिटेड एमरल्ड्स हो जाएंगे मेरे पास। एंड यार एक बताओ मुझे, ये आयरन वाइट है, ठीक है, आयरन से ही एनविल बनता है, ये काला क्यों है भाई? रेसिस्ट हो रहा है क्या गेम? एंड बारिश क्यों चालू होगी? वाह यार, बारिश बहुत अच्छी लगती है मुझे। और ये तो जाके देख के आएंगे गाइस अपना कैसा लग रहा है ये कैसल।
छोटा कैसल है, प्रोटोटाइप है कैसल का, बट बहुत सही लग रहा है भाई, जो भी है जैसा भी है। एंड वेल मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्यों लगा यार, मेरे को नेदर जाना पड़ा यार। डूड ये लाने के लिए मुझे नेदर जाना पड़ा, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। मैं रो दूँ क्या अभी? रो दूँ? हाँ बोलो भाई, मैं रो दूंगा यार अभी। ओके तो मैंने एनविल लगा दिया इधर, एंड देख लो भाई एनविल क्या सही शाइन कर रहे हैं। एंड वेल नहीं अभी एनचेंटिंग नहीं करेंगे भाई, पहले इसके अंदर डालेंगे स्वॉर्ड को। व्हाट द फायर रिस्पेक्ट टू, नाइस नाइस नाइस। मेरे पास है लैपिस लजुली, मैं लेके आता हूँ जल्दी से। कौन से घर में रखा है बट मुझे वो पता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ गाइस, मुझे थोड़ी भूलने की आदत है, थोड़ा सा गजनी हो रखा हूँ मैं। ओके तो ये लोग सो गए थे इसलिए मैं भी सो गया, क्योंकि रात हो रखी थी। एंड मेरे को अभी तक नहीं मिल रहा है यार, मैंने क्यों यार, मैंने दिन क्यों ही किया होगा। ओके ब्लॉक से मेरे पास भाई क्या नहीं मिल रहा, ब्लॉक से मेरे पास। ओके तो ले लैपिस लजुली ले। अरे यार इसके ऐसे कि तैसे इसको अभी ब्लॉक बना के भी देना पड़ेगा, ये भी हम ही करें। ओके तो आज हम लोग फायर रिस्पेक्ट टू ले लेंगे, यस। ओके एक एडवांसमेंट भी हो गई भाई, एनचेंटेड। ओह माय गॉड एनचेंटर, आई मीन एनचेंटेड क्या होता है। ओके अभी स्वॉर्ड को कुछ एक्स्ट्रा मिला क्या, देखते हैं हम लोग। व्हाट द हेल, बट ये भाई ये कमजोरी नहीं बन गई क्या मेरी? लूटिंग टू है, नॉक बैक टू है, बैन ऑफ आर्थ्रोपोड्स है, बट मेरे को बैन ऑफ आर्थ्रोपोड्स तो चाहिए नहीं, मुझे शार्पनेस 5 चाहिए। लगेगा अभी इसमें से शार्पनेस 5। एक और स्वॉर्ड बनाएंगे दोस्तों, पैसे की कमी नहीं है, पैसों में अंधा हो रखा हो, पैसा बहुत है मेरे पास। अच्छा नहीं शार्पनेस 5 अब नहीं लग सकती इसमें। एफिश एंड ब्रेकिंग 3 आई मीन, ठीक है चलो आ जाओ ले लेते थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। इनकी भैंस की डंडी, मैं एक्सपी कलेक्ट करके आ रहा हूँ गाइस थोड़े दिन में। ओके अभी एक्सपी की कमी नहीं पड़नी चाहिए, मैं बहुत घिस के आया हूँ। नाइस फॉर्च्यून 2 एंड ये क्या देगा सिल्क, आर यू सीरियस? सिल्क टच नहीं चाहिए मुझे यार, इतना गंदा बुक देने से अच्छा कुछ दो ही मत तुम। अनब्रेकिंग 3 चलो ले लो क्या, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता क्या इसमें? अनब्रेकिंग 3 ना थोड़ा साइड में रख देता हूँ क्योंकि एनचेंटेड बुक है ये। डेप स्ट्राइडर 2 नहीं, एक्वा इन्फिनिटी ये। एंड ना एक काम करता है, एक्वा इन्फिनिटी को ना मैं इधर साइड में लगा। पावर 2 क्यों भाई, क्या करूँ मैं? हेलमेट पे लगाऊ, बो पे लगाऊ, क्या नशे कर बैठे भाई ये लोग। अबे क्या फालतू गिरे भाई, पावर 2 कौन देता है यार एक्वा इन्फिनिटी के साथ, गरीब हो गया मैं वापस। ओके कोई बात नहीं, अभी आ जाओ हम लोग करेंगे थोड़ा एनचेंटिंग। एफिशिएंसी 5 लगाएंगे इसके ऊपर, मेंडिंग भी पड़ी हमारे पास तो मेंडिंग भी लगाएंगे। पैसों में अंदर हो रखा हो भाई, पैसा बहुत है मेरे पास, इसके ऊपर मेंडिंग लगाना मुझे वर्थ इट तो नहीं लग रहा, बट अभी क्या ही बोलूँ कि शार्पनेस 5 नहीं है ना इसके अंदर। एक और बनाने वाला हूँ मैं, रुको थोड़ा सबर करो। पिकैक्स इधर है, वही बोलिए किसकी चीज़ है भाई। मैं इनका अभी नामकरण नहीं करना, इनका मैं अभी नाम भी रखूँगा पर नाम बाद में रखूँगा थोड़ा, क्योंकि अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि 2-4 दिन से मैं बस ग्राइंड कर रहा हूँ। तो मेंडिंग में लग चुके हैं, अभी बात है बो की। नहीं एक सेकेंड, अभी फालतूगिरी कर देता मैं, अभी थोड़ा पागल हरकत हो जाती। फ्लेम गाइस हम लोग ना बो को बाद में एंचेंट करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास 4 XP है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका हूँ। खाने के लिए मेरे पास खाना नहीं है, ठीक है कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। एंड यार बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स क्या होता है? स्वीपिंग एज 3 ठीक है अच्छा है, बट यार बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स स्पाइडर को मारना है क्या मुझे? एक और स्वॉर्ड बनाने का बहुत इच्छा है पर मेरे पास अभी एक्सपी नहीं है, मैं बाद में बनाऊंगा पक्का है प्रॉमिस। ओके तो मेरे को बस एक अनब्रेकिंग लगानी है इनकी ऐसे तैसे। अबे यार 10 XP मांग रहे भाई। ओके तो आज नहीं कर रहा मैं इसको, मैं बाद में करूंगा, पूरी 50 XP लेके आऊंगा मैं। वेल गाइस आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।